कहते हैं कामयाबी किसी की मोहताज नहीं होती। यदि सही दिशा में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है तो धैर्य के साथ कड़ी मेहनत और उचित दूरदर्शी दृष्टिकोण ही आपको वहां तक पहुंचा सकता है। वह कामयाबी किसी व्यक्ति की हो सकती है या फिर किसी समूह की। ऐसे ही एक व्यक्ति और उनसे जुड़े समूह से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने बगास से पेपर बनाकर आज उसे पूरी दुनिया में फैला दिया। आज IIT के प्लेटफॉर्म पर हम बात कर रहे हैं बिंदल पेपर्स की। जब बात क्वालिटी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेपर की होती है तो बिंदल पेपर्स का नाम बड़े सम्मान और विश्वास के साथ लिया जाता है। पेपर जो कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, किसी भी चीज को लिखित रूप में रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में पेपर बैग, पेपर कप, टिश्यू पेपर, पेपर प्लेट इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। पर इसके साथ ही एक तथ्य और भी जुड़ा है, पेपर के निर्माण में होने वाली पेड़ों की कटाई का, जिसे किसी मायने में सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में जरूरत है पेपर बनाने के अन्य विकल्पों की, और बगास से पेपर का निर्माण करना इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो है ही, साथ में शुगर केन वेस्टेज को मैनेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका भी। साल था 1990 जब बिंदल पेपर्स की शुरुआत हुई। हाय, आई एम अंकुर बिंदल। मैं आपको अपने बिजनेस के बारे में और अपने ग्रुप के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हम लोग पेपर मैन्युफैक्चरर्स हैं और हम लोग सभी तरीके का पेपर बनाते हैं। हम लोगों ने 1990 में पेपर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करी थी, जो मेरे फादर राकेश कुमार बिंदल ने करी थी। और अभी हम लोग सभी तरीके का पेपर बनाते हैं, क्राफ्ट पेपर, राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर, कॉपियर पेपर, डुप्लेक्स बोर्ड, टिश्यू, सभी पेपर्स हमारी बास्केट में हैं। शुरुआत से ही बिंदल पेपर ने क्वालिटी पेपर्स और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पेपर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। देखते ही देखते पेपर इंडस्ट्री में बिंदल पेपर्स ने अपना लोहा बनवा लिया। अभी हम लोगों का टोटल टर्नओवर ग्रुप का अप्रोक्सीमेटली 2000 क्रोर्स के आसपास है, और हम लोग साल का 5-6 लाख टन पेपर हम लोग बना लेते हैं। प्लस हमारे पास में आज के दिन 4,000-5,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है और इतना ही इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हम लोगों के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे एसेट्स हैं, हम लोग उन्हें फैमिली मेम्बर्स की तरह से ट्रीट करते हैं। हम लोगों का कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी एक NGO चल रहा है, जिसमें हम लोग छोटे गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं और उनकी टेक केयर करते हैं। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि बिंदल पेपर्स ने पेपर इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लेकर आया है। हमारा एनवायरनमेंट पे बहुत फोकस है, हम लोग कोई भी काम ऐसा नहीं करते जो एनवायरनमेंट पे उसका इम्पैक्ट पड़े। तो ये थी कहानी बिंदल पेपर्स की। व्यवसाय शुरू करने की पूरी जानकारी सरकारी योजना के साथ संपर्क करें MSME हेल्पलाइन नंबर 7408733333 पर या फिर 7607655555 पर।